हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल व्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। और जी अभी 9 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं काली सिंह पे। है जो हमारे यहाँ पे काली सिंह महाराज है उन पे वहाँ पे दूध चढ़ता है, खीर बना के चढ़ते। पिछली बार गए थे अन्य पापा बबली दीदी आई थी, लेकिन आज भी बबली दीदी आएंगी। हाँ। है? देखते हैं कौन कौन आएगा वहाँ पे जाके, क्योंकि फोन आया था रात कि आप भी जाओगे, तो फिर हमने सोचा कि हम भी चल ले पूरी फैमिली के साथ में। और फैमिली के साथ में पिकनिक सी बन जाती है। अच्छा ला रही है। हाँ, चलो हाय, नमस्ते करो, नमस्ते। मम्मी को बाय करो, मम्मी को जय श्री राम कर दो। मम्मी जय श्री राम, जय श्री राम। ये आता पूछी समय देखो जाएगी उधर से बाय करेगी। बाय, हाथ जोड़ के मम मम, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ दे। बाय, बाय। इसे कहीं जाना, इसे पापा के साथ जाना। हाँ, सबको बाय कर दी, मुझे भी मम्मी को भी। तो चलिए जी अभी चलते हैं। चलो उतार दी, उतार दी। चलो 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 आ जाओ अन्य पापा। चलो चल दिया, यहीं रह ले तू। बाय। फुल तेज भाग गया, कभी जिन्ने में लुढ़कती चली जाए। बाय करो मम्मी को। बाय बाय, चलो सही रहियो, ठीक ठाक यहीं रहो तुम। ठीक। चलिए जी अभी चलते हैं। वैसे तो गर्मी हो रही, लेकिन बाइक पे हवा लगेगी, इसलिए अपन ने जर्सी पहन ली। चलो भाई अन्नी का इसे बाय कर दो। चलो मैं तो जा रही हूँ। बाय मम्मी को, बाय कर दो मेरे को। जाओ जाओ, हम गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे काली सिंह बाबा के दरबार में। और जी यहाँ पे खेतों में थोड़ा सा अपना जो खाना वाना बनाते हैं ना, खीर बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वो सभी अभी बना रहे हैं। और दीदी हर के वहाँ से बस प्रीति दीदी आई हैं, अरविंद भैया आए हैं, और जी वो आरुषि आई है और नहीं आए हैं। हम सोच रहे थे पूरी की पूरी फैमिली आएगी पिछले साल की तरह। और पीछे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही, और उधर जाके देखोगे ना दवासी मंदिर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही। हम तो बहुत आगे आके और एक खेत से में है, तो वहाँ पे चूल्हा जला रखा दीदी ने, पहले मैं खीर बनाएगी फिर हम खीर बनाएंगे। तो चलिए जी अभी आपको मिलवाते हैं सभी से, कौन कौन आया है कौन कौन नहीं। और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। वैसे मेरे पापा और भी आते थे पहले, लेकिन अभी उनके साथ तो कभी आए नहीं, लेकिन इनके साथ आ गए। 3 साल हो गए मेरी शादी को और अभी आई पहली बार। और ये देखो यहाँ ऋषि को गोद में लेके आए ना, तो वो पीछे पीछे आ रही। अरे लड्डू देख, और उसी को ले ली गोद में। तो चलिए जी अभी देख, वो देखो पीछे वारी, पीछे पीछे ये देखो। आजा आजा देखो, और जो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं। वैसे तो खेल है, ट्यूबवेल वगैरह चलवा लेंगे किसी की। इधर बाइक खड़ी हुई है, और जी इधर दीदी खीर बनाने के लिए लगी। खीर में पहले इनकी खीर बनेगी फिर हम बनाएंगे खीर। हम पतीली लाए नहीं, क्योंकि नहीं काफ़ी दूध है ना, तो इसमें आने के नहीं, बाद में बना लेंगे। आप चढ़ाए ही हो फिर हम बना लेंगे इतने। और जी हाँ, यहाँ पे अर्निका और आरुषि खेल रही है। नंदनी को मिस कर रहे हैं, आरुष को मिस कर रहे हैं, साथ वाले आए तो नहीं। हाँ हम तो ये सोच रहे थे कि रिक्शा में आओगे सभी। यहाँ पे हो गई है रोटी की तैयारी, खीर बनेगी बाद में, पहले बनेगी रोटी। तो हैं अच्छा, और जी यहाँ पे देखिए खीर बन चुकी है, जो दीदी घर वाली है बहुत अच्छी बन चुकी है। पूजने के लिए अलग निकाल ली मेरे कटोरी में, और अभी जो दूसरे डब्बे में है दूध उसकी बनेगी खीर। और आरुषि जिद कर रही है। तो अभी जो है खीर बनाने की हो गई है तैयारी। तो यहाँ पे अभी जो हम दूध लेके आए थे वो इसमें पतीले में करा जा रहा है। चावल, चावल डालने की तैयारी, दूध जो है पक चुका है, उबाल आ चुका है। अच्छा, और जी अभी इसमें डाल देंगे चावल। डाल लो, हमारी खीर जल्दी बनी क्योंकि कम थी ना। और जी ऐसे हाँ हल्की सी वाड़ दो। हाँ खाइए बेटे, बस सोच रही है, सब देख रही है। क्या देख रही?
बहुत जो है दाल बन चुकी है दीदी गल, हाँ गल तो गई, बस ये कड़नी सी रह रही, मिल नहीं सी रह रही एक जगह। और जी फिर दाल बन जाएगी, खीर बन जाएगी और फिर रोटी बनाएंगे। सारा सामान ला रखा दीदी ने, तवा वगैरह सब ला रखा, अब तो सिर्फ थोड़ा ही सामान लाए देखो। पर बहुत मन लग रहा है यहाँ पे। और इधर भी जो है सभी आए हुए हैं, वे भी यहाँ पे खीर वीर बना रहे हैं, जो भी अपना प्रसाद है। तो बहुत भीड़ लग रही है देखो। अभी देखिए जी यहाँ पे मैं और प्रीति दीदी लगे हैं काम करने के लिए। और जी यहाँ पे प्रीति दीदी जो है खीर में चीनी डाल रही थी और ये हमारी वाली खीर बनने लग रही थी। मैं रोटी बना बना के प्रीति दीदी को दे रही थी, क्योंकि दीदी बोल रही थी कि यहाँ तुम बनाओ और जी नीचे चूल्हे पे मैं सेक दूंगी। इस वाले चूल्हे पे बहुत सारी मतलब कि जो जीना लगाया हुआ था बहुत सारी आग थी इसमें, तो जल्दी जल्दी रोटी सेक गई। यहाँ पे देखिए दीदी ने जो है चीनी डाल दी है और खीर ना इतनी अच्छी बनती है, यहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा। और एक प्रीति दीदी हमने दाल बनाई हुई है ये अलग रखी थी यहाँ पे। तो देखिए जी यहाँ पे अभी ये आ चुके हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। अरविंद भैया और अर्णिका के पापा आए थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और जी फिर मैं और प्रीति दीदी वहाँ पे जो अपने खाने के लिए रोटी बना रहे थे, बोल रही दीदी कि चलो हम यहीं पे बैठते क्योंकि हमारा वहाँ पे बहुत सारा सामान भी रखा था, तो इसलिए इन्होंने जी अभी यहाँ पे देखिए पूजा करके आ चुके हैं और यहाँ पे खा रहे हैं खाना। दाल बन चुकी थी, दाल भी है, खीर है, रोटी है, और उधर आरुषि और भैया खाना खा रहे। तो इधर रोटी सीख चुकी है, लास्ट वाली रह रही है, और अन्निका को फिर मैं दूध पिलाने लगी थी। तो जी अभी हो गई है चलने की तैयारी, खाना भी हमने खा लिया है और उधर जो है सामान की पैकिंग भी हो गई है। और अभी अन्निका के पापा इसे बाइक पे बांधेंगे, जैसे डब्बे को बांध के लेके आए थे ना ऐसे ही बांधेंगे। और जी चलिए अभी पीछे आपको दिख रहा होगा सभी अपना सामान की पैकिंग कर रहे हैं। दीदी यार तो काफ़ी सारा सामान लेके आई थी, इधर देखिए पैकिंग हो रही है सामान की। अब की बार तो हल्का हो गया सामान तो चलो जी अभी अन्निका बेटा क्या कर रहे हैं? आरुषि कैसा लग रहा आपको खाना खा के? नहीं बच गई, पापा ने इसकी जान बचा ली वरना बहुत चोट लग जा। नहीं बाबू दे दिया सब अट्टा वट्टा जो बच रहा था, सारा सामान प्रसाद भी दे दिया। ये देखो जी जुगाड़बाजी से लगे हुए हैं, सारा सामान अपना लेके जाएंगे। एक कट्टा उधर बंद गया बराबर की साइड में, उसमें प्रसाद है खीर का और ये वाला, और इसमें है बर्तन। और जी पास में ही है वैसे 10-12 किलोमीटर दूर, आराम आराम से चले जाएंगे। चलो भाई चलो बाइक लेके चलो, हाँ जो हम चल रहे वहाँ पे मेले में, चल रहे ना अन्निका अब मेले में चल रहे, सामान लेके आएंगे अन्निका के लिए। क्या लोगे आप, क्या खिलौने लोगे? टॉयज लोगे? बहुत सारे ये खिलौने लाएंगे भाई अन्निका के लिए अभी जाके। और बाइक आने लग रही है पीछे, अब आपको मेला दिखाएंगे बैक कैमरे से। अभी चलते हैं मेले में। ये रहा मेला, यहाँ से होती है शुरुआत। हम आपको दिखाएंगे देखो कितनी जनता आई हुई है यहाँ पे, सभी ऐसे ही खाना बना रहे चूल्हे पे, यहाँ सभी ऐसे ही बना रहे हैं देखो। वैसे अन्निका के पापा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एकदम से, और खाना भी इतना अच्छा लगा, खीर वगैरह बहुत, दाल भी खीर भी बहुत अच्छी लगी। चलो भाई हम तो घर करने आए बाबा के दर्शन, बस यही चढ़ाया है प्रसाद क्योंकि काफ़ी भीड़ है इधर। ये है नाग काली सिंह बाबा का दरबार। हाँ पता नहीं किस चीज की अंडी है। चलो जी ये देखो
आओ मुंदी मार कर रख दे ऐसा, इसमें उबाल नहीं आता। चलो जी भाई कौन से चल के रही थी चिंकी तो जी अभी जो है हम मेले में घूम रहे हैं, हमने कप ले लिए हैं इस तरह के, हम आपको ये दिखा देते हैं इस तरह के कप लिए हैं हमने। और जी अभी चलते हैं आगे मेले में, देख के आते हैं क्या क्या सामान है। आगे चलते हैं, मुझे कुछ दिख गया यहाँ पे अच्छा सा। दूसरी साइड घूम के चलती हूँ, ये देखो कितना अच्छा मेला लगा हुआ है यहाँ पे। और अभी ये देखो उधर को दूसरी साइड दिखाया मुझे कुछ सामान, इधर को जाना पड़ेगा क्योंकि दुकान लगी है। और ये अभी जो है इधर चलते हैं आगे, ये देखो मेला। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे सामान है, ये देखो पूरे मेले में हम घूम चुके हैं। अभी आगे आ चुके हैं यहाँ पे, अर्निका की लेनी है बॉल। भैया आ ये बॉल है जी 50 रुपए की। और अभी आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और ये अभी हमने ये यहाँ से मिट्टी का सामान ले लिया है, ये देखिए ये रहा कप्पन। अर्निका हाथ जोड़े बेटा, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो पापा के आगे, देखो रे भोले बाबा। चलो अंदर चले दर्शन करके आओगे, आ जाओ बाय। नहीं बेटा हाथ जोड़ो जैसे पहले जोड़ रहे थे, जय जय कर रिया। और जी ये देखिए भोले बाबा की कितनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे, ऊपर साथ चढ़ा के जा चुके हैं सभी यहाँ से, मतलब कि हम और तो काफी भीड़ लग रही है, देखो कितनी ज्यादा सभी जगह पर। और काफी बड़ा स्थान है यहाँ पे। अभी हो गई है चलने की तैयारी, अर्निका चल दी अपनी बुआ जी के साथ हमें बाय कर रही, देखो चलो भाई बाय निका उड़ा भागे आओगे अभी जल्दी आ जाओ। अभी हम चल दिए हैं जी, और दीदी यार जा चुकी है। चलो जी दर्शन कर लीजिए आप भी। तो चलो जी अभी चलते हैं, पानी की प्यास लगी वैसे नहीं पापा। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको अपने कच्चे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।